अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफ़िन। आज बीनिश के टिफ़िन में क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मंदी। चलिए स्टार्ट करते हैं मटन मंदी की रेसिपी। मैं आपको जो मटन मंदी की रेसिपी है दो स्टेप में बताऊंगी। सबसे पहले हम जो मटन है उसको मैरिनेट करेंगे, उसको रेडी करेंगे, और जो मंदी के साथ राइस जो सर्व किए जाते हैं उसकी रेसिपी मैं आपको सेकेंड स्टेप में बताऊँगी। सबसे पहले, क्योंकि हमें मटन को मैरिनेट करने के लिए रखना है, तो सबसे पहले हमें मटन का स्टेप हम कर लेंगे, फिर हम राइस का स्टेप करेंगे नेक्स्ट। दो मैंने राने लिए, उसकी बोन जो है पीछे से हटा दिए, और इस तरह से ये पूरा जो बोनलेस जो पीस होता है पूरा उस वो ले लिया है उसको। इस तरह से ये मटन के पीस है पूरा, उसको इस तरह से कट करवा लिए। मैं आपको स्पाइस बता देती हूँ। तो मैंने राने लिए, इन दो के मुताबिक मैं यहाँ पर स्पाइसेस यूज़ करूँगी, वो आपको बता देती हूँ। दही लिया है 4 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 3 टेबल स्पून, धनिया पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून, यहाँ पर टिक्का मसाला लिया है 2 टेबल स्पून। ये होममेड टिक्का मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ऑनियन पाउडर लिया है, अगर आपके पास ऑनियन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनियन पेस्ट भी ले सकते हैं 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च लिए, यहाँ पर चाट मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, अजवाइन लिए 1/2 टीस्पून, कुटी काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, जिसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, यहाँ पर पेपरिका पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, कचरी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट मैंने यहाँ कम लिया है क्योंकि टिक्का मसाला और चाट मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है, अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, जर्दे का कलर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सारे स्पाइसेस को हम, अदरक लहसुन और दही को, इन सब चीज़ों को रान में अच्छी तरह मैरिनेट कर रख देंगे। मटन में अच्छी तरह सारे मसाले लगा दिए, अब इसको 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे। मटन जो मैरिनेट करने के लिए रखा था 8 से 10 घंटे के लिए, वो मैरिनेट हो गया है, अब इसको हम गला लेते हैं। मैंने मटन में 2 ग्लास पानी ऐड कर दिए, इसको अब मैं 30 मिनट्स के लिए मटन को गलने के लिए रख दूंगी। मटन गल जाए तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मटन जो है बिल्कुल गल गया है, अब इसको हम कोयले का स्मोक दे देंगे। का स्मोक दे दिया है, अब इसको ऊपर से हल्का सा ग्रिल कर लेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो ग्रिल कर लें, वरना इसको ऐसे ही आप सर्व कर दें राइस के साथ। मैं इसको थोड़ा ग्रिल करूंगी ताकि ऊपर से एक गोल्डन सा कलर आ जाए। हम राइस रेडी कर लेते हैं मंदी के लिए। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो हम राइस में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 kg सेला राइस लिए, जिसको मैंने क्लीन करके भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। 1 कप गाजर लिए, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कुटी हुई काली मिर्चें लिए 1 टेबल स्पून, ऑयल लिया है मैंने 1 कप, सॉल्ट लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून जो लिया है मैंने चिकन पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने फैट लिए, क्योंकि अरब के जो फूड होते हैं उसमें फैट वगैरह का वो यूज़ करते हैं, और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है आपके राइस में, तो यहाँ पर अगर पॉसिबल हो तो आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा फैट। 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली थी, जिसको इस तरह से पीस लिया है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिए, ये अखरोट लिए, बादाम, किशमिश और काजू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मंदी के राइस की रेसिपी।
एक भगोने में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें जो है मैं लहसुन अदरक डाल दूंगी और साथ ही हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को भून लेंगे ऑयल में। अब इसमें हरी मिर्चें लहसुन अदरक जो हम के साथ ही हम इसमें हम फैट भी ऐड कर देंगे और इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्चें भुन गई हैं। अब इसमें 5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आने लगे तो उस टाइम हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, चिकन पाउडर भी ऐड कर देंगे और साथ ही हम काली मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अब इसमें राइस ऐड कर देंगे हम। राइस का पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हम उसमें गाजर और ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। राइस का थोड़ा पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और राइस का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। राइस का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब इसको 15 मिनट के लिए हम दम पर रख देते हैं। मंदी रेडी है। आप मेरी रेसिपी मंडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मंडी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करके बता दिया करें कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त न्यू यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।